अगर आप भी मेरी तरह खाना बनाने के शौकीन हैं और आपका ज्यादातर वक्त किचन में गुजरता है या फिर आप एक कुकिंग चैनल चलाते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेकर आई हूँ बल्कि एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ जो कि आपके किचन के काम को काफी आसान कर देगा और आपका काफी टाइम भी सेव करेगा। ये एक मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है और इसे मैंने हाल ही में अमेजोन से खरीदा था और ये प्रोडक्ट मुझे इतना पसंद आया तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू आपके साथ शेयर किया जाए, ये आपके लिए भी काफी यूजफुल हो सकता है। और मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद आया इसलिए मैं ये रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, इससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले और इमीडिएटली मिलेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रोडक्ट रिव्यू। तो मैंने कुछ ही हफ्ते पहले अमेजोन से ये मल्टीपर्पज़ वेजिटेबल स्टीमर बास्केट ऑर्डर किया था और जब मैंने इसे यूज़ किया तो ये प्रोडक्ट मुझे इतना पसंद आया तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू आप सभी के साथ शेयर किया जाए। इस प्रोडक्ट का परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मेरे कहने पर आप ये प्रोडक्ट ज़रूर खरीदिए, ये किचन में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इसको असेंबल करना और यूज़ करना काफ़ी आसान है, आपको इसके साथ इस तरह के चार अटैचमेंट्स मिलेंगे। तो ये हुक की तरह होते हैं तो बीच में आपको ये स्लॉट नजर आ रहा है वहाँ पे आपने इनको फिक्स कर देना है, बहुत ही आसानी से फिक्स हो जाते हैं। और बाकी तीन अटैचमेंट्स को आपने पीछे की तरफ दिए गए स्लॉट्स में फिक्स करना है तो ये इसका स्टैंड बन जाएगा। और ये प्रोडक्ट एकदम प्योर स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है तो ना तो इसमें रस्ट लगने का खतरा है और ना ही इसमें स्क्रैच आने का कोई खतरा है। और ये डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके साइज को चूज कर सकते हैं। और ये देखिए इसका स्टैंड बिल्कुल तैयार है और ये एकदम रेडी है यूज होने के लिए। और ऊपर की तरफ सेंटर में हमने जो अटैचमेंट फिक्स किया है ये इसको होल्ड करने के काम आएगा। और इस स्टीमर की सबसे खास बात यह है कि ये एडजस्टेबल है, ये छोटा भी हो जाता है बड़ा भी हो जाता है तो आपका बर्तन किसी भी साइज का क्यों ना हो ये उसमें आराम से फिट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती हूँ कि आप इस स्टीमर का इस्तेमाल किस किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें वेजिटेबल स्टीम करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने तीन तरह के वेजिटेबल्स ले लिए हैं और मैं इसको इस स्टीमर में ट्रांसफर कर दूंगी। मैंने पहले लिया है ये हरा मटर, साथ में मैंने लिए हैं थोड़े से गाजर और आखिरी में थोड़े से फूल गोभी। तो हम स्टीम वेजिटेबल का इस्तेमाल सर्दियों में काफ़ी सारे सूप्स बनाने के लिए करते हैं, काफ़ी सारी रेसिपीज बनाने के लिए करते हैं तो ये स्टीमर आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो देखिए इन सारे वेजिटेबल्स को मैंने इस स्टीमर बास्केट में अरेंज कर दिया है और अब हम इन्हें स्टीम करेंगे। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है और स्टीमर बास्केट को हम इस कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और ऊपर से हम इसका ढक्कन लगा देंगे। तो देखिए कितने आराम से ये इस कढ़ाई में फिट हो गया है बिना किसी झंझट के। और इस स्टीमर बास्केट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप इसे किसी भी तरह के बर्तन में यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं इसको इस पतीले में डालकर दिखा रही हूँ और ये कितने आराम से इस पतीले में भी फिट हो गया है, इसमें भी आप वेजिटेबल को स्टीम कर सकते हैं। अब मैं इसको एक पैन में भी रख के दिखाऊंगी और ये देखिए पैन में भी ये बहुत ही आराम से फिट हो गया है। तो है ना ये स्टीमर कमाल का, इसको अपनी किचन की इन्वेंट्री में जरूर इंक्लूड कीजिए, इसको मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। तो चलिए स्टीमर के साथ इस कढ़ाई में मैं आपको वेजिटेबल स्टीम करके दिखाती हूँ। कढ़ाई के ढक्कन का जो आउटलेट है उसको मैंने आटे से सील कर दिया है और ये देखिए करीब 15 मिनट के बाद हमारे वेजिटेबल्स कितने अच्छे से स्टीम हो गए हैं। निकालते वक्त आपने थोड़ा सा सावधानी बरतना है, आप इसे हाथ से पकड़कर भी, अटैचमेंट जो है ना बीच में हुक है उसको आप हाथ से पकड़कर भी उठा सकते हैं या फिर आप किसी चाकू की मदद से इसको बाहर निकाल सकते हैं। और ये देखिए कितने परफेक्टली हमारे वेजिटेबल सारे अच्छे से स्टीम हो गए हैं। और ये स्टीमर बास्केट मल्टीपर्पज है, इसमें आप कई सारे काम कर सकते हैं। तो वेजिटेबल को स्टीम करने के अलावा अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप इसमें पालक को भी ब्लांच कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से पालक के पत्ते धोकर इस स्टीमर बास्केट में अरेंज कर दिए हैं। तो चलिए इसे ब्लांच कर लेते हैं। उसके लिए एक पतीले में मैंने थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है और स्टीमर बास्केट को हम इस पतीले के अंदर अरेंज कर देंगे और ऊपर से इसको ढक देंगे और करीब 5 मिनट के बाद आपका जो पालक है वो बहुत ही अच्छे से ब्लांच हो जाएगा। ये देखिए कितने परफेक्टली ये ब्लांच हो गया है और बीच में जो लूप जैसा हुक है उसको पकड़कर हम इसे बाहर निकाल लेंगे और ये देखिए आपका ब्लांच्ड स्पिनच बिल्कुल रेडी है। और इस स्टीमर बास्केट में आप मोमोज को भी स्टीम कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। देखिए मैं यहाँ इस स्टीमर बास्केट को थोड़ा सा पहले ग्रीस कर लूंगी और तैयार किए हुए मोमोज को मैं इसमें अरेंज कर दूंगी। और आपको अपने फेवरेट मोमोज बनाने के लिए अब अलग से मोमो स्टीमर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इसी मल्टीपर्पज वेजिटेबल स्टीमर बास्केट में अपने फेवरेट मोमोज बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे मोमोज को हमने स्टीम कर लिया है और ये एकदम परफेक्ट मोमोज हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो देखिए एक इस स्टीमर बास्केट से आप कितनी सारी चीजें बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही हैंडी प्रोडक्ट है और बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। इस मीडियम साइज स्टीमर बास्केट को मैंने शायद 258 रुपीज में खरीदा था जो कि काफी रीजनेबल है।
तो अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया है तो इसे आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये देखिए, हमारे एकदम जूसी और बहुत ही टेस्टी मोमोज एकदम रेडी हैं। और देखिए, हमने कितनी आसानी से इसे इस वेजिटेबल स्टीमर बास्केट में ही बनाकर रेडी कर लिया है। और इस वेजिटेबल स्टीमर बास्केट को आप एज ए स्ट्रेनर भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि आप अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को धोने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, आपके किचन के कितने सारे काम ये एक इकलौता वेजिटेबल स्टीमर बास्केट पूरा कर देता है। और यही नहीं, आप इसे एज अ फ्रूट बास्केट भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसे फ्रूट बास्केट की तरह यूज कर आप अपने डाइनिंग टेबल की शान भी बढ़ा सकते हैं। और इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये फोल्डेबल है, तो ये काफी छोटे साइज में हो जाता है, काफी कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो इसे आप अपने किचन के किसी भी छोटे से स्पेस में भी आराम से रख सकते हैं। ये ज्यादा जगह बिल्कुल भी नहीं घेरता है। तो है ना, एकदम कमाल का प्रोडक्ट, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। मेरे कहने पर आप इसे जरूर खरीदिए, ये आपके किचन में आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज ये प्रोडक्ट रिव्यू आपको पसंद आया होगा। और अगर ये रिव्यू आपको पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।